एक्स्ट्रा वेशेशन डिसीज, जिसको हम हिंदी में पर स्त्राव विकार के नाम से जानते हैं, तो कई जो एक्सपर्ट हैं यानी अध्ययनकर्ताओं का मानना है यह बीमारी कीमोथेरेपी कराने वाले लोग या फिर रेडिएशन थेरेपी कराने वाले व्यक्ति की नसें जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं और उनको धीरे धीरे यह समस्या होने लगती है, जिससे उनकी जो दवाएं हैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी में चलती हैं वे दवाओं का जो स्त्राव है वो नसों के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचने लगता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। या फिर जो इंजेक्शन है वो ठीक तरीके से ना लग पाने के कारण, जो आईवी हम इंजेक्शन देते हैं तो आईवी इंजेक्शन देते समय जो दवा है नस में ना पहुंचकर ऊतक में पहुंच जाती है, कारण यानी जो सिरिंज है वो नस से आउट हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी जो दवाएं हैं वो धीरे धीरे ऊतकों में पहुंचने लगती है, जिससे ये दवाएं ऊतकों में फैलकर इन्फेक्शन फैलाती हैं। तो इसमें क्या होता है, लक्षण की बात करें, अगर आपने कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी कराई है तो उनकी नसें कमजोर होंगी, तो उस कंडीशन में भी जो दवाएं हैं वो धीरे धीरे ऊतकों तक पहुंच जाएगी, यानी जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन वाले जो मरीज हैं उनकी नसें कमजोर होने के साथ साथ जो दवा देते हैं वो ऊतकों तक पहुंच जाती है। तो लक्षण की बात अभी हम करेंगे, या फिर हम इंट्राकेट डाली है और डालने के बाद ड्रिप लगाई है और जो इंट्राकेट नस से आउट हो गई है, तो उस कंडीशन में भी आपको एक्स्ट्रा वेशेशन यानी पर स्त्राव विकार की समस्या हो सकती है। और क्योंकि हमने ड्रिप लगाई, ड्रिप लगाने के बाद जो आपने इंजेक्शन दिए हैं, तो आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ में सूजन आ जाती है और ये सूजन कंधे तक जा सकती है। तो लक्षण की बात करें तो दर्द, खुजली, त्वचा का लाल और पीला होना और संक्रमण की समस्या, छूने पर यानी गर्म महसूस होना और जो इन्फेक्टेड एरिया है उसमें फफोले और घाव का बनना और एलर्जिक समस्या या फिर एलर्जिक रिएक्शन, और प्रभावित जो हिस्सा है यानी इन्फेक्टेड जो एरिया है जिस में यह रोग यानी पर स्त्राव विकार यानी जिसको हम एक्स्ट्रा वेशेशन डिसीज के नाम से जानते हैं, तो वहां पर त्वचा पर जलन और सूजन हो सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए हम किस तरीके की दवा दे सकते हैं, एक तो हमारे पास पेन किलर होना चाहिए, दूसरा एंटी इन्फ्लामेंट्री डिजीज और एलर्जी वाली जो दवाएं हैं एंटी एलर्जिक दवाएं, इस तरीके की दवाएं होनी चाहिए। यानी इस रोग में यानी कीमोथेरेपी में दी जाने वाली दवाएं या फिर इंट्राकेट यानी जो इंजेक्शन लगाया है वो यानी नस से आउट होकर यानी मांस यानी ऊतक में पहुंच जाता है, तो कीमोथेरेपी में दी जाने वाली दवा या फिर नस में आपने इंट्राकेट डाली है वो आउट हुई है, तो दवाओं का द्रव यानी कोशिकाओं यानी कैपिलरी के माध्यम से होते हुए ऊतकों में पहुंच जाता है और दर्द, खुजली, लालिमा और क्या कहते हैं यानी इन्फेक्शन, छूने पर गर्म महसूस होना या फिर फफोले या घाव का बनना या फिर त्वचा पर जलन या सूजन, इस तरीके के लक्षण एक्स्ट्रा वेशेशन डिसीज यानी पर स्त्राव विकार में हो सकते हैं। तो आपके पास किस तरीके की दवा होनी चाहिए, थ्रोम्बोफॉप ट्यूब हमारे पास होना चाहिए, अगर यानी आपने ड्रिप लगाई है और इंट्राकेट आउट हो गई है, ड्रिप चल रही है तो सूजन आ जाती है, या फिर त्वचा में दर्द हो रहा है तो दर्द या फिर पेन ज्यादा है, फफोले बने हुए हैं, तो इस तरीके की एंटीबायोटिक दवा भी हम दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके की जो दवा है, वीडियो मेरे लंबे हो जाते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन आप जो बॉक्स है उसमें मैं किस तरीके की दवा देनी है वो मैं आपको बता दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।